जय हिंद दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं वोदरा जंक्शन और आज की हमारी जर्नी होने वाली है वोदरा से लेके भुज, जो कि यहाँ से लगभग 440 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जिस ट्रेन में जाने वाले उसका नाम है सयाजी नगरी एक्सप्रेस, जो कि ये ट्रेन डेली चलती है दादर से भुज तक। 15-16 घंटे का इसका डेली का रन टाइम है। तो अभी इस ट्रेन में तो हमारा स्लीपर जर्नी में स्लीपर कोच में हमने बुकिंग करा है तत्काल में, तो देखेंगे इस ट्रेन का कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अभी तो फिलहाल हम आधे घंटे पहले आ चुके हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म 6 पे अपने निर्धारित समय से, तो ट्रेन है यहाँ पे 9:20 को, तो देखते आएगी तो नहीं। तो फिलहाल हम साथ में आए थे मेरे दोस्त के जो पीछे बैठा है, इसकी BSF टेस्टमैन की एग्ज़ाम है। तो भाई गुड लक के लिए, पास हो गया ना, फेल हो गया मत आना, मुँह मत काला करवाना। तो अभी चलते हैं, फिलहाल ट्रेन का वेट करते, आ जाएगी तो उसका एक्सपीरियंस ले लेंगे इस ट्रेन का। तो फाइनली वेब 7 के लोकोमोटिव इंजन के साथ गाड़ी हमारी आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। तो देखते हैं अंदर भीड़ होती है कि नहीं। तो 5 मिनट के हॉल्ट के बाद गाड़ी हमारी निकल चुकी है वडोदरा जंक्शन से। तो अभी चलते हैं हम अपनी सीट पे फिलहाल। अंदर तो सब सो रहे हैं, सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। अभी देखते हैं हमारी सीट पे क्या हाल चाल है। तो भाई केतन भाई यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सोने के लिए और मेरी सीट ऊपर है, तो अपर और मिडल सीट है हमारी। और ये क्या ही लाइट चालू करा, सब सो रहे हैं, डिस्टर्ब होगा तो रहने देते हैं। भाई गाड़ी हमारी पहुंच गई दूसरे स्टेशन आनंद जंक्शन, जो कि यहाँ पे इसको द मिल्क सिटी भी कहा जाता है। मिल्क सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे इंडिया में अमूल जो मिल्क है अमूल कंपनी का, वो यहीं से बना था। तो भाई गाड़ी तो हमारी चल गई, अभी बैठ जाते हैं, अंदर इंट्रो देंगे। तो भाई गाड़ी इसलिए यहाँ पे, मतलब गाड़ी तो हमारी चल गई थी, अच्छा हम तो फटाफट चढ़ गए, गाड़ी एकदम रुक नहीं रही, 2-3 मीटर रुक रही कोई भी स्टेशन पे। भाई आनंद जंक्शन को मिल्क सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आनंद में मतलब हर एक चीज़ का, जैसे अमूल कंपनी है, अमूल आनंद से ही बनाया है, तो अमूल और अमूल जितने भी चॉकलेट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट है, सारा कुछ आनंद में बनता है, तो इसीलिए काफ़ी बल्क मात्रा में यहाँ से बनता है, तो इसीलिए इसको मिल्क सिटी कहा जाता है आनंद जंक्शन को। भाई रात काफ़ी रुकी और मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि अभी रात को ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं यहाँ पे, वही सेम रूट है जो नड़ियाद आनंद वगैरह अहमदाबाद। तो रूट होगा सुबह 4 बजे से चेंज, क्योंकि वो हमारे लिए एकदम नवा रूट होने वाला है, तो कोशिश करेंगे जल्दी सुबह उठ जाए। अभी तो जा रहे फिलहाल सोने, तो जल्दी उठ जाएंगे, आपको वहाँ का रूट दिखाएंगे। तो चलते भी फिलहाल सो जाते, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो 362 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी हमारी पहुंच गई बचाओ, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे 1 घंटे डिले है, वैसे तो आगे कवर कर लेगी, लेकिन हमको 6:30 बजे पहुंचना था, वहाँ पे टाइमिंग था भुज का, लेकिन यहाँ 1 घंटे डिले दिखा रही, शायद कवर कर ले तो अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ पे गाड़ी 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन गाड़ी ने हमारी हॉर्न दे दिए। तो अभी चलते वापस अपने कोच में अंदर स्लीपर, फिर इसके अगले स्टेशन गांधीधाम पे मिलते आपसे डायरेक्ट। तो भाई हमारी गाड़ी आ चुकी है गांधीधाम, जो कि यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे भी लेट है 50 मिनट, लेकिन ये गाड़ी इतना अच्छा है कि मतलब एकदम फास्ट इसका पिकअप है, तो कवर कर सकती है अगर करना चाहे तो। वैसे तो हर स्टेशन पे हॉल्ट नहीं था, 2 मिनट का 3 मिनट का हॉल्ट था, गाड़ी चली जा रही, लेकिन यहाँ पे कुछ 15 मिनट का हॉल्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रश वगैरह कर लेते, दुकान से पानी वानी ले लेते, वैसे इधर दुकान है, तो अभी चलते फटाफट ले लेते अंदर।
तो भाई यहाँ पे दो रेल नीर लेके आया जो कि हमको 15 का दिया, बाकी सब स्टेशन पे ऐसे देते 20 का, लेकिन आप थोड़ी जिद करोगे तो 15 का देंगे। और यहाँ पे देखिए कि सब बंदे उतर गए, मतलब मोस्ट ऑफ सारे बंदे यहाँ पे उतर रहे, तो ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे भी खाली हो चुकी है, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी ट्रेन खाली थी, यहाँ पे भीड़ तो नहीं थी, तो ये ट्रेन तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बीस मिनट के हॉल्ट के बाद गाड़ी हमारी निकल चुकी है गांधीधाम से, जो कि यहाँ पे गाड़ी काफ़ी देर रुकी थी, तो गाड़ी में वैसे मोस्ट ऑफ सब बंदे उतर ही गए थे, तो हमने फ्रेश वगैरह हो गए अच्छे से। तो इसका अगला स्टेशन होने वाला है अंजार। गाड़ी हमारी निकल चुकी है अंजार से। वैसे जो इस छोटा स्टेशन था, बड़ा स्टेशन था नहीं, इसके अगले स्टेशन होने वाला है भूज, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो अब डायरेक्ट वहीं चलेंगे। वैसे यहाँ पे कुछ खास उतना दिखाने लायक था नहीं। फाइनली 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी ने हमको अपनी निर्धारित समय से 1 घंटे डिले भूज, जो कि यहाँ का अक्षर स्टेशन, यहाँ पहुँचा दिया। अब गाड़ी यहाँ से जाएगी बन के वापस दादर, जो कि गाड़ी ने तो मतलब एक्सपीरियंस तो सही था, एवरेज दूंगा, क्योंकि गाड़ी खाली एक बात अच्छी लगी, जो पिकअप था इसका पिकअप जल्दी पकड़ रहा था, बाकी तो सब मतलब ठीक ही था। अभी चलते फिलहाल स्टेशन के बाहर, जो कि हमारा ये यहाँ पे इस ट्रैक पे, जो इस रूट पे मतलब पहला एक्सपीरियंस था, इससे पहले हम कभी आए नहीं थे। तो अभी चलते फिलहाल स्टेशन के बाहर, मिलते आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।